सीखेंगे इस प्रतियोगिता के बारे में, रेड रिबन प्रतियोगिता 2024। ये जो है 9, 10, 8, 9, 10 क्लास में जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहा है, 8, 9 और किस क्लास में 10 क्लास में विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसके लिए जो है परियोजना निदेशक बिहार एड्स नियंत्रण समिति पटना के द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिस प्रतियोगिता का नाम है रेड रिबन प्रतियोगिता। इसमें क्या है, इसमें जो है पूरा जो है भागलपुर में पूरा बिहार के स्तर में जो है इसमें जो इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें सिलेक्शन कैसे कैसे होगा, तो पूरा भागलपुर में जो है 50 जो है हर एक जिला में बांट दिया गया है, इसमें 50 स्कूल का जो है सिलेक्शन किया गया है, ठीक है। उस 50 स्कूल को क्या बोला गया है कि आपके पास जो जानदार अच्छा विद्यार्थी है उस दो दो विद्यार्थी को चुनिए, एक लड़का ग्रुप से और एक लड़की ग्रुप से। तो 50 स्कूल हो गए, टोटल विद्यार्थी का सिलेक्शन कितना होना है 100 विद्यार्थी। 100 विद्यार्थी का जो सिलेक्शन होगा उसको जिला स्कूल में जाना है और जिला पर हर एक जिला जैसे भागलपुर में है तो बांका में है तो जिला का नाम दिया हुआ है, तो तुम लोग का जो इस प्रतियोगिता का जो परीक्षा होगा, परीक्षा केंद्र है इंटर स्तरीय मोक्षदा बालिका भागलपुर, इस स्कूल में परीक्षा होगा। 3 यहाँ परीक्षा का तिथि लिखा हुआ है, 3 दिसंबर 2024 को 11 बजे से लेके 3 बजे तक प्रतियोगिता का आयोजन होगा, उसमें क्विज होगा, क्विज में किससे क्या क्या पूछा जाएगा उससे रिलेटेड, क्विज का विषय क्या रहेगा, एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, किशोर स्वास्थ्य रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन रहेगा, स्वास्थ्य रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, खेल से क्वेश्चन रहेगा, समसामयिकी से रहेगा और जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से क्वेश्चन रहेगा। तो जो सेलेक्ट विद्यार्थी होगा, यही 5-6 टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन पूछते हैं, ये बताता है कैसे कैसे परीक्षा में पूछा जाएगा। जैसे सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं एड्स का, क्वेश्चन पूछेगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है, 4 ऑप्शन तुम्हारे पास रहेगा, ये फुल फॉर्म सीधा ऑरल क्वेश्चन होगा, सीधा पूछेगा एड्स का फुल फॉर्म क्या बता रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, ये किससे होता है, विषाणु से फैलता है और किस वायरस से फैलता है, किस वायरस से फैलता है, HIV वायरस से। इससे रिलेटेड और तुम्हारे पास जितना संकलन होगा एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन उसका संकलन करना है और तैयारी करना है। इस स्तर पे सोमवार को जो है सिलेक्शन होगा कि जो इसमें जो है मतलब 100 विद्यार्थी है, प्रत्येक स्कूल में 100 विद्यार्थी है, जिस स्कूल का नाम हुआ उसमें 2 ही विद्यार्थी को जिला स्तर में भेजना था, जो यहाँ जो रैंकिंग अच्छा आएगा, जिसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा उसी को कहाँ भेजा जाएगा, जिला स्तर, एक लड़का और एक लड़की। एड्स से रिलेटेड दूसरा टॉपिक था हमारे सामान्य जागरूकता, इसमें जीके रिलेटेड क्वेश्चन पूछाएगा, जैसे जीके से पूछा जाएगा या समसामयिकी था, इसमें क्वेश्चन जीके से पूछा जाएगा, जैसे इसमें है समान जागरूकता, जापान का संसद का नाम क्या है, डाइट है, या अभी समय के करेंट पूछेगा, भारत के प्रधान वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, या झारखंड में अभी चुना हुआ तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा समसामयिक से या समान जागरूकता। आगे क्वेश्चन है स्वास्थ्य से, हमको ठीक ठाक जो है शरीर के देखभाल के लिए ठीक ठाक रहना जरूरी है, तो क्या क्या चाहिए, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा उसका पूछेगा। आगे क्वेश्चन है किशोर स्वास्थ्य का उम्र कितना होता है, किशोर जो स्वास्थ्य होता है जो उसके लिए उम्र कितना है, 10 से कितना 19 साल का जो बच्चा रहता है इसको क्या बोला जाता है, किशोर स्वास्थ्य बोला जाता है। इसके लिए सरकार कौन योजना चलाती है, यही कार्यक्रम चलाती है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाती है। आगे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन था खेलकूद, खेलकूद में पूछा जाएगा कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, 7 खिलाड़ी, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं, और जो है सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है, इसी ढंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे जो टॉपिक था किशोर स्वास्थ्य रिलेटेड, जो प्रत्येक महीना जो है क्या तारीख को मनाया जाता है, 8 तारीख को जो है किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे समान जागरूकता बता दिए, स्वास्थ्य बता दिए, खेलकूद। आगे था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये जो 12 अप्रैल 2000 कब से स्टार्ट हुआ, 2005 से रिलेटेड हुआ, ये क्वेश्चन हो गया। आगे पूछा कैसे जाएगा ऑडियो वीडियो, जैसे अभी क्वेश्चन हम पूछे कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स कैसे फैलता है, पूछा जाएगा। या आगे क्वेश्चन था जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य
कार्यक्रम ही क्यों चलाया गया। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में गाँव घर में थोड़ा डॉक्टरी आदमी जो है थोड़ा तबियत खराब हुआ तो सोचता हुआ इसे ठीक हो जाएगा, तो इसके लिए सरकार क्या चलाया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया। इसके तहत जो है जो बच्चा है उसका देखभाल के लिए या कोई लड़की है वो जो है कैसे सही ढंग से रहे, या कोई बच्चा है कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो सोचता है ना इसे ठीक हो जाएगा, इसे ठीक नहीं तबियत खराब उसको कहाँ जाना है डॉक्टर के पास जाना है। तो इसके लिए जो सरकार का जो कार्यक्रम का आयोजन किया राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें जो अलग अलग जैसे छोटा बच्चा को टीका लगाना है, टीका लगता है ना ये 5 साल से छोटा बच्चा क्या लगाता है पल्स पोलियो का टीका लगता है, इस सब जो कार्यक्रम चलाए इसी के अंतर्गत। अब वहाँ रहेगा क्या क्या क्वेश्चन, तो ऑडियो वीडियो की जो भी क्वेश्चन पूछा यही हो गया ऑडियो भूजल ऐसे, या कोई फोटो दे देगा चित्र पहचान कोई फोटो दे देगा, जैसे कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड था अच्छा योगदान दिया था मदर टेरेसा ठीक है उसका फोटो दे देगा, बताएगा इसको बताइए तस्वीर जो है इस तस्वीर में कौन है, तो जो तस्वीर होगा तो विचार पत्र इससे रिलेटेड जो तस्वीर है जैसे खेलकूद से रिलेटेड सचिन तेंदुलकर का फोटो दे देगा बताएगा ये बताइए कौन है, फोटो देख के बताना है नहीं बताना, विराट कोहली का फोटो दे देगा बताना है कौन है विराट कोहली, तो इससे रिलेटेड जो है फोटो पूछा जाए फोटो दिखाया जाएगा और क्या पूछा जाएगा ऑडियो विजुअल मतलब जो क्वेश्चन पूछे वो पूछा जाएगा। एक बार फिर से अपडेट करते हैं क्या क्या चीज हुआ, जो है रेड रिबन प्रतियोगिता जो है आयोजन कर रहा है पूरा बिहार में, बिहार सरकार के द्वारा जिला स्तर पर प्रतियोगिता होगा जिसमें प्रत्येक स्कूल से जिस स्कूल का सिलेक्शन, जैसे भागलपुर में 50 स्कूल का सिलेक्शन हुआ जिसमें 50 स्कूल में तुम्हारे स्कूल का नाम है, तो तुम्हारे स्कूल से एक लड़का और एक लड़की का सिलेक्शन होगा वो जाएगा कहाँ जिला स्कूल में, और जिला स्कूल में किस चीज का होगा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन होगा, परीक्षा स्थल कहाँ है इंटर स्तरीय मोक्षदा बालिका विद्यालय कहाँ भागलपुर, जहाँ परीक्षा होगा हर एक स्कूल का वहाँ विद्यार्थी जाएगा, और जो ये सब रिलेटेड से जो टॉपिक दिया था इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा क्विज प्रतियोगिता।